गुड मॉर्निंग ऑल दिस इज शुभांगी मेज फ्रॉम डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस आर मोरी एंड स्टूडेंट टूडे इज आवर एस एस टी पेपर राइट ओके आज हमारा एस एस टी दैट मीन्स सोशल स्टडी का पेपर है राइट सो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी ये हमारा पेपर है दिस इज आवर पेपर ओके सो अगर आपको इस पेपर की प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंट निकाल सकते हो आपको इजीली जाएगा आपको सिर्फ ब्लैंक्स भरने होंगे राइट और अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते तो आप ए फोर साइज के पेपर पर ही आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखना होगा एनी अदर रजिस्टर या बुक्स के पेज आप यूज नहीं करोगे ए फोर साइज का ही पेपर यूज करेंगे आप ठीक है और अगर ए फोर साइज का पेपर यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इसकी डायरेक्टली डायरेक्टलीस या प्रिंट निकाल लो ठीक है पीडीएफ से आपको ये मिल जाएगा तो देखो सबसे पहले तो आपको ए फोर साइज के पेपर पर लिखना हो तो आपको स्कूल का नेम है वसलाबाई वनमाली स्कूल ऑफ स्कॉलर आरमोरीव अंट सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन देन सब्जेक्ट एस एस टी सोशल स्टडी ओके फिर आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड एंड यूर फुल नहीं है तो इसको स्कीप कर देंगे हम लोग ठीक है देन आपका रिटर्न पेपर है यह ट्वेंटी मार्क्स का ओके okay? देन आपको ये पूरी की पूरी जितनी भी चीजें है ये ए फोर साइज के पेपर पर प्रॉपरली लिखना होगा ओके okay? अगर आप प्रिंट निकालते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो चलो हम हमारे पेपर की तरफ चलते हैं तो सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट टेक द करेक्ट आंसर नाउ फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत ठीक है पंचायत का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितने साल की जरूरत होती है तो देखो ऑप्शन है फिफ्टीन ईयर्स एटीन ईयर्स तीन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता हो तो आपको वहां पर क्या करना है टिक करना है राइट देन सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ पोर्ट विच ऑफ द फॉलोविंग नीड्स अ पोर्ट ऑप्शन ए इज एरोप्लेन दैन शीप दैन बस ये तीनों भी ट्रांसपोर्ट है तो देखो आपको किस चीज़ के लिए पोर्ट की जरूरत होती है तो आप वो ऑप्शन ठीक करेंगे देन थर्ड ई मेल इज सेंड थ्रू अ ब्लैंक हम ई मेल किस के जरिए भेजते हैं रिसीव करते हैं तो आपका ऑप्शन है टेलीविजन देन कंप्यूटर देन सी रेडियो तीनों में से जो भी करेक्ट आंसर होगा वहां पर टिक करिएगा हमने ये लेसन पढ़ा है कम्युनिकेशन के लिए सबसे फास्ट जो होगा वो ऑप्शन देखो फर्स्ट है टेलीफोन देन बी है लेटर देन सी है टेलीग्राम ठीक है तो सबसे फास्ट कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है वो आपको चूज करके टिक करना है देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा मैच द पे ओके तो इसमें टू ग्रुप है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है तो उनके सिटीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके सिटीज से मैच करना है फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है कौन से सिटी में है तो उस सिटी को चूज करिए और ए बी सी डी जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करते जाना है ठीक है सेकेंड है छत्रपति शिवाजी तो ये कहाँ पे है कौन से सिटी में है देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है मीना ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है तो इनके सारे के सारे सिटीज के नाम दिए गए हैं तो आपको इन दोनों में मैच पेयर करना है ठीक है देन थर्ड क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोविंग हमको क्या करना है हर एक ट्रांसपोर्ट के टू टू एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स होंगे तो आपको क्या करना है फर्स्ट यहां पर लिखना है एग्जाम्पल सेकेंड यहां पर लिखना है देन एयर ट्रांसपोर्ट अब एयर ट्रांसपोर्ट के कौन से टू एग्जाम्पल हो सकते हैं फर्स्ट यहां पर सेकेंड यहां पर बिल्कुल ईजी है देन क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाट आर थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्री डिफरेंट आपको क्या करना है ट्रांसपोर्ट लिखना है देखो देन सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया अब मास मीडिया का सबसे पॉपुलर जो होगा वो आपको यहां पर लिखना है देन हु इज हेड ऑफ पंचायत पंचायत का हेड कौन होता है ओके हु इज द हेड ऑफ पंचायत तो उनका नाम लिखना है आपको देन फोर्थ क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अब आपको ऐसा ट्रांसपोर्ट लिखना है जो सबसे फास्ट हो ओके तो ये भी बिल्कुल इजी है तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ये ऐसे क्रॉसवर्ड है जिन्हें आपको क्या करना है पिक्चर्स की हेल्प से कंप्लीट करना है ओके पिक्चर्स के थ्रू आपको क्या करना है ये ब्लैंक्स जो है वो आपको अप करना है ठीक है तो देखो सबसे पहला है ये ठीक है तो आपको ये पिक्चर पहचानना है और यहां पर अप करना है ये सारे ब्लैंक्स में ठीक है समझ में आ रहा है आपको तो ये जो है वो आपको यहां पर सॉरी ये है फर्स्ट आपका तो आप यहां पर फिल अप करोगे देन ये है सेकेंड ठीक है तो ये है आपका सेकेंड तो आपको यहां पर इस पिक्चर्स का नाम लिखना है यहां पर ठीक है देन थर्ड है आपका ये पिक्चर तो आप थर्ड ये पिक्चर का नाम यहाँ पर फिलअप करोगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ मतलब नाइन लेटर्स आएंगे यहां पर ठीक है और लास्ट है फोर्थ ये आपका फोर्थ पिक्चर होगा जो आपको यहां पर फिलअप करना होगा वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो आपको पिक्चर्स की हेल्प लेनी है, मतलब पिक्चर पहचानना है और ये क्रॉसवर्ड लिखते जाना है ठीक है तो हमारा पहला जो पिक्चर है वो ये है देन सेकेंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ यहां पर भी ये नंबर आपको अच्छे से देखना है इधर उधर गलती से भी लिखना नहीं है नंबर दिए गए हैं ये है आपकी पहली लाइन देन सेकेंड लाइन देन थर्ड लाइन देन फोर्थ ओके okay? तो आपको इस तरह से ये क्रॉसवर्ड फिलअप करना है ठीक है तो ये हो गया हमारा पेपर यहाँ पर हमारा पेपर खत्म होता है ओके okay? पेपर इज ओवर नाउ तो बच्चों पेपर बिल्कुल इजी है जिसने भी अच्छे से स्टडी होगी वो बिल्कुल इजीली छुड़ा पाएगा ओके okay? और नो चीटिंग ओके जितना भी आता है वो अपने मन से अच्छे से छुड़ाना तो आप सब स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक ओके ठीक है